Hi guys, welcome back to my channel. So friends, अगर आपके फेस पे पिंपल्स है या फिर आपके फेस पे एक्ने है या फिर रेडनेस की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट मैं शेयर करने वाली हूँ वो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं एंड इसके रिजल्ट अमेजिंग है गाइस। अगर आपके फेस में एक्ने पिंपल्स है या फिर आप टीनेज हो और आपका जो पिंपल्स है वो स्टार्टिंग हुआ है या फिर आपके फेस में बहुत ज्यादा पिंपल्स है और वो जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइस, इसका रिजल्ट आपको 2 वीक के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा और इसको डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ भी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे बाय कर लिया फ्रॉम अमेजोन से गाइस, तो मैं आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगी कि आपको इसको कैसे यूज करना है, इसका रिजल्ट कितने दिन तक आपको मिलेगा एंड आपको कैसे इसको जो है सेफ तरीका से यूज करना है ताकि आपको रिजल्ट मिले, और इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी आपको कितनी मिलेगी एंड इसको आपको कहाँ से लेनी है, A to Z बताने वाली हूँ। और गाइस, अगर आप इस सोप के बारे में जानते भी हो बट आपको ऑनेस्ट रिव्यू नहीं मिल पा रहा है तो इस चैनल पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, तो फॉलो जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। ओके गाइस, तो जिस सोप की मैं बात कर रही थी गाइस वो ये है क्लिनसोल का एंटी एजिंग सोप। आप देख सकते हो बहुत ही मेडिकेटेड टाइप का सोप लग रहा है इसकी पैकेजिंग से, और ये डॉक्टर से रिकमेंडेड है, तो गाइस इसी तरीका से ये इसलिए जो है पैकेजिंग इसका किया गया है, ठीक है। और ये है विथ टी ट्री ऑयल एंड विटामिन ई, इसमें जो है टी ट्री ऑयल और विटामिन ई मिलाया गया है। और गाइस, ये स्पेशली है एक्ने और पिंपल्स वाले लोग के लिए, और जिनकी भी ऑयली स्किन है वही इस सोप को यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले नहीं यूज कर सकते। अगर ड्राई स्किन वालों के फेस में पिंपल्स हो भी गया अचानक किसी भी रीजन से तो आप इसको नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये जो सोप है आपकी स्किन को और भी ज्यादा ड्राई बना सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए गाइस। और मैं इसका प्राइस बता देती हूँ आपको, तो इसका प्राइस जो है वो 65 रुपीज है एंड आई थिंक मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में मिला है, फ्रॉम अमेजोन से मैंने लिया, इसकी वजह से मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि सोप्स में जो प्राइस है वो अमेजोन वाले थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं उससे, बट आई थिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी कि इसका प्राइस मुझे कितना लगा, बट आई थिंक 80 to 85 रुपीज मुझे पड़ा था, तो मैं लिंक डाल दूंगी। और इसका जो आपको क्वांटिटी मिलेगा 75 ग्राम, आई थिंक आपको अच्छा खासा क्वांटिटी मिल रहा है अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो, क्योंकि ये जो सोप है अगर आप सिर्फ और सिर्फ फेस में लगाओगे, क्योंकि आपका बॉडी में पिंपल्स तो होता नहीं है, फेस पे ही होता है, तो आप अगर आप सिर्फ और सिर्फ फेस पे लगाओगे तो ऑलमोस्ट आपका 1 मंथ से ज़्यादा चलने वाला है, आई थिंक बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लूँ तो इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा इंग्रेडिएंट मिलाया गया है। सबसे पहले इसमें मिलाया गया है ग्लिसरीन, जो कि स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने ग्लिसरीन के ऊपर एक इंडिविजुअल रिव्यू भी दिया हुआ है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। एंड इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है गाइस, और बहुत ही अच्छा अच्छा चीजें हैं, विटामिन ई है, ल्यूरिक एसिड, टी ट्री ऑयल। तो टी ट्री ऑयल जो होता है वो पिंपल्स में बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड आपके पिंपल्स को बहुत हद तक खत्म कर देता है, तो इसमें इंग्रेडिएंट जो मिलाया गया है वो आपके पिंपल्स के अकॉर्डिंग मिलाया गया है, आई थिंक बहुत अच्छा काम करने वाला है, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ये चीज। और आप इसको रेडनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, पिंपल्स के बाद जो रेडनेस हो जाता है या फिर पिंपल्स जब आपके होती हैं तो उस साथ ही साथ आपका रेडनेस आ जाता है फेस में, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा से वर्क करेगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है विद इन 2 वीक के अंदर खत्म करेगा गाइस, बहुत अच्छा है। सो मैं आपको इनर दिखा देती हूँ कि किस तरीके का ये आपको दिखता है, और कुछ इस तरीके का ये इनर है। आई थिंक ये जो है ये मैंने न्यू वाला जो है परचेज किया है, इससे पहले वाला जो पैकेजिंग था वो ब्लू में था, तो अभी ये जो है न्यू पैकेजिंग में आया है, कुछ इस तरीके का पिंक में है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लू वाला जो है ओरिजिनल है या फिर ये वाला ओरिजिनल है, ब्लू वाला जो था वो ओल्ड पैकेजिंग में था और ये जो है अभी न्यू पैकेजिंग में आया है। इसका पैकेजिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी जो सोप का नाम मेंशन है क्लिनसोल, और कुछ इस तरीके का ये आता है, ठीक है। और इसमें इसका जो ब्रांड का नाम है वो है लीफॉर्ड, ठीक है, तो ये लीफॉर्ड कंपनी का है गाइस, हाँ। और इस तरीके का इसका पैकेजिंग है, इसके फ्रे
फ्रेग्रेंस भी अच्छी है गाइस, उतना ज्यादा यू नो हार्ड फ्रेग्रेंस नहीं है जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद गाइस आपको इस सोप को कैसे यूज करना है बहुत लोगों को नहीं पता होता है और बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े जा करके यू नो यूज करने लगते हैं, साइड इफेक्ट होता है तो आकर के कमेंट करते हैं। तो गाइस मैं आपको बोलूंगी अगर आपके सेंसिटिव स्किन है या फिर ऑयली स्किन है तो आप इंस्ट्रक्शन बिल्कुल पढ़ लें, क्योंकि अधिकतर साइड इफेक्ट उन्हीं को होता है जिनकी स्किन ड्राई होती है या फिर सेंसिटिव होती है गाइस, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। और अगर मैं इस सोप की बात करूं कि आपको इस सोप को कैसे यूज करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम ही यूज करना है गाइस, आपको 3 टाइम 4 टाइम नहीं यूज करना है क्योंकि ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा ड्राई बना देगा। तो आपको जो है 2 टाइम इसको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है और मैं आपको बोलूंगी कि आपको मॉर्निंग में एक बार यूज करनी चाहिए और एक बार नाइट में। और गाइस आपको एक टाइम यानी कि इवनिंग में आपको एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करना है जिसमें नीम हो, एलोवेरा जेल हो। अगर आपके फेस में एक्नी पिंपल्स हो तो गाइस नीम वाला जो फेस वॉश होता है और एलोवेरा जेल वाला जो फेस वॉश होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। अगर आपके फेस में एक्नी पिंपल्स है तो नीम बहुत अच्छे से वर्क करता है आपके पिंपल्स में, आपके एक्नी में। तो मैं आपको प्रिफर करूंगी कि आप एक टाइम इवनिंग में एक फेस वॉश ऐसा यूज करें जिसमें नीम हो और एलोवेरा जेल हो। मैंने बहुत सारे फेस वॉशेस के रिव्यू दिए हुए जिसमें नीम है, एलोवेरा जेल है, तो आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो आपको एक टाइम जो है फेस वॉश यूज करना है एंड 2 टाइम इसको यूज कर सकते हैं। और गाइस साथ ही साथ आपको एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर भी यूज करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसको स्किप कर दोगे क्योंकि वो आपकी स्किन को और ऑयली बना देता है। तो आपको क्या करना है, जेल फॉर्म वाला जो है मॉइस्चराइजर यूज करना है जो कि आपकी स्किन को ऑयली भी ना रखे एंड साथ ही साथ आपका जो स्किन हाइड्रेट रहे। सो या इस तरीके से आपको यूज करना है। और इस टाइप के अगर आप कोई भी सोप्स यूज करते हो या फिर क्रीम यूज करते हो तो गाइस आपको सनरेज में बहुत कम जाना, जाना ही नहीं है। और अगर आपके फेस पे पिंपल्स और एक्नी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है गाइस, क्योंकि उस टाइम आपका जो स्किन होता है काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है और रेडनेस इसी की वजह से होता है कि अगर आपके फेस में पिंपल्स हो और एक्नी है और आप बाहर जा रहे हो धूप में तो इसी की वजह से रेडनेस हो जाता है, स्किन जो है बर्न हो जाता है धूप की वजह से और इसकी वजह से आपके फेस में बहुत ज्यादा रेडनेस दिखता है और हर जगह आपको पैचेस दिखेंगे, डार्क पैचेस। तो इस तरीके से आपको जो है अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना है सनरेज से और या इस तरीके से आपको सब कुछ फॉलो करनी है। अगर आप सब कुछ फॉलो करके जो है इस सोप को यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है एंड विद इन आपको 2 वीक के अंदर अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है गाइस। और एक चीज और, अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगा तो आपको उसको रेगुलर नहीं यूज करते जाना है। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया है तो आपको उसको स्किप कर देनी है, ठीक है। आई थिंक 2 या फिर 3 वीक लगेगा और आपको ये जो है रिजल्ट दे देगा और आपको जो है स्किप कर देनी है, ठीक है। सो यही आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तुरंत क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है गाइस जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लाइक कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो डालू सबसे पहले आप तक पहुंचे। और गाइस इस प्रोडक्ट का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चेकआउट कर लेना। अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, इजिली कहीं भी अवेलेबल है, ठीक है। सो यही आज का वीडियो, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना और शेयर करना जिनको भी इस टाइप की प्रॉब्लम है। चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।